हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही यूनिक ड्रिंक बनाई है, जिसको गर्मियों में पीना बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। उसका नाम है जामुन का शरबत, जो कि काला खट्टे के नाम से मशहूर है। अगर आपको काला खट्टा बनाना है तो घर में जामुन लेके आइए और उसका शरबत बनाइए। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कितना बढ़िया शरबत बनाया है। इसको छान के इसका जो नेचुरल कलर आया है, जिसको हम जामुनी कलर बोलते हैं, वो दरअसल जामुन से ही आता है। तो चलिए अब हम इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और जो मैंने इसके अंदर फ्लेवर देके मसाले डाले हैं, वो तो लाजवाब है। तो चलिए इसको बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये 250 ग्राम जामुन लिए, इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, वॉश कर लिया है साफ पानी में 2-3 बार। आप देख सकते हैं हमारी जामुन कितनी बढ़िया है। इसी तरह की हमें जामुन लेनी है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, कोई जामुन फटी ना हो, गली ना हो, क्योंकि उनमें फिर कीड़े हो जाते हैं और स्मेल भी अलग हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने पैन ले लिया है, इसके अंदर हम सारे जामुन डाल देंगे और ये हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 लीटर के करीब पानी। ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो टीस्पून होते हैं वो ले लिए, बाकी के आप शुगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे वाइट नमक, ये हम 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे। इसमें हम काला नमक 1/2 छोटी चम्मच हम डालेंगे, इसमें काली मिर्च पाउडर और इतना ही हम डालेंगे इसमें भुना जीरा का कुटा हुआ पाउडर। अब हम इसको पकने देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि जामुन तो वैसे ही सॉफ्ट होता है, खोलने के बाद उबाल आने के बाद इनमें क्या फर्क नजर आता है। चीनी हमारी घुल गई है, मसाले हमारे भी मिल गए हैं, बस अब हमारा उबाल आना बाकी है और फिर हम इनको देखेंगे हमारे जामुन में क्या चेंजेस आए। ये देखिए, उबाल आने के बाद हमारे जो जामुन हैं वो लाइट कलर के हो गए हैं, यानी कि इनकी स्किन जो है वो उतरने लगी है और अंदर से इनका गूदा नज़र आने लगा है। बस अभी हम थोड़ा देर इसको और पकाएंगे, तब तक ये सब अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पानी का कलर जो है जामुनी रंग का हो गया है। ये जो हम जामुनी रंग करते हैं, दरअसल वो जामुनी रंग जो है वो जामुन से ही आया है और ये तो हमारे को कुदरत ने दे रखा है। ये नेचुरल जो कलर है और हमारा फल है, ये जो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमें इसे खाना जरूर चाहिए। ये है फालसे हैं, सर्दियों में शहतूत आते हैं, गर्मियों में ये आते हैं, तो ये सब शरीर को ठंडक देने वाली चीज़ें हैं। मैंने आपको फालसे का भी शरबत पहले दिया हुआ है और अब मैं आपको जामुन का शरबत बना के दिखा रही हूँ, जो काला खट्टा बन के तैयार होता है। एक मैंने सौंफ का शरबत दिया हुआ है, वो भी बहुत हमारे को ठंडक देता है। गर्मियों में ऐसे शरबत पीने चाहिए, ना कि हमें बाजार के पीने चाहिए। घर की चीज़ तो वैसे भी शुद्ध होती है, हमें वही ज़्यादा बना के खाने चाहिए। और एक मैंने आपको नींबू की शिकंजी का पाउडर भी बना के बताया था, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी मैंने आपके अपने चैनल पे दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो डली हुई है। अब आप देखिए काफ़ी हद तक हमारा ये जामुन पक चुका है। अब हम इस थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर इसके बाद इनको आगे का काम इनका करेंगे। ये देखिए हमारे जामुन जो है अच्छी तरह पक चुके हैं और इनका गूदा और गुठली जो है वो अलग हो चुकी है। अब हमारा काम है, अब हम एक पोटैटो मैशर लेंगे और उससे इसको इस तरह हल्के हल्के से दबाएंगे। इसमें हमारे को गूदे को मैश करना है और वो काम है कि हम पहले इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके गुठलियाँ अलग हो जाएं और गूदा अलग हो जाए। हमें इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, प्रेस ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, बस ये ध्यान रहे कि गुठलियाँ इसकी ना टूटें। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये इसकी गुठली
अलग हो गई है, दिख रही है? देखिए मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन हमारी सारी ही गुठलियाँ अलग अलग हो गई। अब हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसको छानेंगे। ये देखिए हमारा जामुन का शरबत तैयार हो चुका है। कलर आप देखिए कितना फर्स्ट क्लास आया है, जामुनी कलर। अब हमारा ये शरबत पूरी तरह ठंडा हो चुका है, अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए सब गुठलियाँ अलग हो गई हैं और हमारे को सिर्फ इसका शरबत पानी चाहिए। आप देखिए गुठलियाँ और गुदा सब अलग हो गया। चलिए अब हमारा सारा ये अच्छी तरह हमने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच नींबू का रस, और आप इसे चख के अपने हिसाब से खट्टा तीखा कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये इनफ है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। आप ये देख सकते हैं जामुनी रंग से आप समझ गए होंगे कि ये हमारा जामुन का शरबत है, जो इतनी जल्दी बन जाता है। बस जामुन होने चाहिए और मिनटों में ये बन जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर और जामुनी नेचुरल कलर आया है बिल्कुल। तो हमने 250 ग्राम जामुन लिए थे और उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली थी, बाकी हमने थोड़े थोड़े इसके अंदर मसाले डाले हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही यूनिक ये शरबत बना है। जिनको जामुन खाने नहीं पसंद है, अगर हम उन्हें इस तरह से खिलाएंगे तो बार बार वो जामुन को शरबत के रूप में पीना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने इसको पकाया है, उसके बाद इसको छन्नी में छान लिया है। छन्नी में छानने के बाद ये कलर हमारा आया है, इसकी गुटियाँ गूदा उसमें निकल गया है। और फिर पूरा ठंडा होने के बाद हमने इसके अंदर नींबू अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, जितना आपको खट्टा चाहिए। मसाले हमने जो फ्लेवर देने थे हमने उसी टाइम दे दिए थे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही एक शरबत के साथ।